एमिंग फॉर द थर्ड शॉट एंड उड़ता तीर देने की आदत है मेरे को। कहाँ जा रहे हैं राजू? ओ राजू, राजू सुन तो। बाइक पे बैठे बैठे पिछवाड़ा टूट गया उसको। मार्शल का कल एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरह। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ नूपुरा वैली में। बहुत ही ऑसम व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है नूपुरा वैली का। पूरा सनराइज हो चुका है, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। और ये जस्ट कैंप के पीछे देखिए माउंटेन पीक्स। ठंड हो रही है अच्छी खासी, अभी रात को नहीं थी बिल्कुल भी ठंड, और अभी मॉर्निंग में उठा हूं तो ठंड हो रही है। बिना जैकेट या बिना स्वेटर के रह ही नहीं सकते यहाँ पे अभी तो। रात को तो सिर्फ एक स्वेटर में चल रहे थे। रात को बहुत ही अच्छी नींद आई, खाना वगैरह खा के लगभग फ्री होते होते हमें 12-1 बजे गए थे। बॉनफायर हो रहा था तो काफी अच्छा माहौल बना हुआ था, डांस वगैरह किया, सबने इंजॉय किया अच्छे से। बस अब ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे नूपुरा वैली देखने के लिए। और फिर आज का प्लान है हमारा पेंगोंग लेक जाने का। पेंगोंग पहुंचने में भी लगभग हमें 7-8 घंटे लगेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ का। रात को जुगाड़ तो बिठाया था कि एक सेपरेट बाइक मिल जाए, क्योंकि मेरे को और मैं को शेयरिंग में बाइक हमने ली हुई थी, लेकिन राइड करने में यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। अब बाकी देखते हैं बाइक मिलती है नहीं मिलती। इन केस अगर बाइक मिली तो रिकॉर्डिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे को रास्ते की। इन केस अगर बाइक नहीं मिली तो आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा यहाँ का, नूपुरा वैली से पेंगोंग लेक जाने का रास्ता कैसा है। वो सामने हमारी बाइक पार्क है वहाँ पे, और एक ट्रैवलर भी हमारे साथ आया था, वो भी यहाँ पे पार्क है। अब इस साइड जाएंगे पीछे जहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स जाके देखेंगे। और इधर ही रिवर भी है जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। तो भाई हो गया अपना टाइम अभी यहाँ से निकलने का, सामान वगैरह सारा पैक है, आके कैंपर में लोड करवाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं। निकल रहे हैं अब सैंड ड्यून्स की तरफ। आधा ग्रुप हमारा जाएगा मॉनेस्ट्री देखने, जिन्होंने कल मॉनेस्ट्री नहीं देखी, और हम जाएंगे सैंड ड्यून्स देखने। सैंड ड्यून्स के बाद निकलेंगे सीधा पेंगोंग लेक। भाई ये है यहाँ के सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे हर जगह ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं कि भाई सैंड ड्यून्स के ऊपर जाना है या फिर कार चलाना मना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिजर्व करके रख रहे हैं इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट, क्योंकि अगर यहाँ पे कार ड्राइव करेंगे ये बिल्कुल ही प्लेन हो जाएंगे, ड्यून्स इनकी बात ही नहीं रहेगी, वो ड्यून्स वाली। तो अभी चलते हैं इस साइड, वो कैमल राइड्स वगैरह हो रही है यहाँ पे, कुछ ATV बाइक्स हैं जो ऑफ रोडिंग वगैरह कराती हैं। सामने व्यू देखो वैली का कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है ग्रुप का, और उसके बाद ज्यादा देर तो रुकेंगे नहीं खैर, यहाँ पे भी हार्डली 30 मिनट्स रुकेंगे और उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे फिर हम। तो यहाँ पे आर्चरी हो रही है अभी, देखते हैं बाइक का निशान लगता है नहीं लगता, और ये नीचे जाएगा लगेगा नहीं है बिल्कुल भी। ओह एकदम ऊपर लगा, लास्ट में भाई ने एकदम ऊपर हाथ कर दिया था तो ऊपर जाके लगा। वो सामने कैमल्स बैठे हुए हैं काफी, अभी चल के पूछते हैं क्या रेट है कैमल का। आर्चरी में 100 के 5 मिल रहे हैं, मतलब 20 रुपए का एक तीर है। उड़ता तीर ले ले। Now ready for the third shot. Aiming for the third shot and target. Let's see. Black. अब मयंक का सेकंड शॉट आ रहा है, देखते हैं इसका कहाँ पे जाके लगता है अभी। ये फिर से व्हाइट में गया, देखो ये ऊपर के जो 2 एरोज हैं ये महंगे, और अंदर के जो 3 है वो मेरे हैं। आर्चरी की गेम तो मैं जीत गया। आई विल विन बैक। उड़ता तीर देने की आदत है मेरे को। ऊंट खैर यहाँ के छोटे हैं राजस्थान के कंपैरिजन में, हमारा थोड़े खा पाएंगे दोनों का, थोड़े बोने हैं। हाँ सिंगल सिंगल हो जाएगा ना। कैमल तो बहुत छोटे छोटे हैं, एक ये बच्चा है कैमल का। कहाँ जा रहे हैं राजू? ओ राजू, राजू सुन तो, इधर इधर बात सुन, मेरी बात सुन। ये अलग ही नहीं, यहाँ पे चिक्के मारता हुआ घूम रहा है, ये अभी फिर चिल्लाएगा देखना। देखो वो जो बच्चा था वो चिल्लाता हुआ जा रहा है अपनी माँ के पास में, वो माँ को भी ढूंढ रहा था इसलिए परेशान हो रहा था। तो उसकी माँ मिल गई है वहाँ पेड़ के नीचे, उसको बांध रखा है उधर। ये तो शेर जैसा लग रहा है एकदम, बाल इतने भरे भरे हैं इसके। यहाँ के चार्जेस 350 है सिंगल राइड के, और वो आगे सैंड ड्यून्स में लेके जाते हैं वहाँ पे। जो नो के 700 में हुआ है हमारा, 350 पर पर्सन है। धूप बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा, और कल तो खारजुंगला से आ रहे थे तो स्किन पूरी जल गई थी। एक बार और सुना भाई, मेरे वाला जो ऊंट है बड़ा ही शरारती है, वो एक जगह टिकी नहीं रहे, आगे भाई के पैरों की तरफ ही आई जाए। तो अभी टोटल 4 ऊंटों का ग्रुप है जिससे हम 4 बंदे बैठे हैं। वो गिर गया, बच गया। भाई इस पे रिकॉर्डिंग करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं ग्रिप भी नहीं बन पा रही, और मेरे वाले का बेचारे का हम भी टूटा हुआ है। और धीरे धीरे यार, राजू तू बहुत शरारती है यार, स्पाइक्स खड़े कर रखे हैं तूने पूरे अपने। कैमल राइड करते हुए देखो पहाड़ों का मजा, ऊपर स्नोफॉल हुई हुई है और यहाँ पे भयंकर गर्मी हो रही है, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लद्दाख में घूम रहे हैं। फीलिंग राजस्थान वाली आ रही है, लेकिन व्यू जो है वो एकदम पहाड़ों का, लद्दाख का व्यू है। ये राजू बड़ा शरारती है, बहुत शरारती है, सबसे पहले इसको भागने की लगी और सबसे पहले बैठने की। कैमल राइड कर ली, अब चल रहे हैं वापस। 10:30 हो गए, हमारा टाइम हो गया जाने का। गलती करी यार, लेके कमर हिल गई पूरी इसमें, वो तो कमर पकड़ के जा रहा है मैं। डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि अभी वैसे भी हमें 170 किलोमीटर राइड करके जाना है यहाँ से पेंगोंग लेक। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस का ओवरव्यू दे दूँ, कल हम लेह से आए थे यहाँ पे
नूबरा वैली। तो इसका डिस्टेंस था 130 किलोमीटर। आने में हमें टाइम लगभग 6 घंटे लग गए थे, फिर 12 बजे शुरू किया, 6 से भी इवन ज्यादा लग गए थे, 8 घंटे लग गए थे हमें कैंप में पहुंचने में। रीजन ये, खारदुंगला पे हमें स्नोफॉल मिली तो रास्ता बंद था, तो वहाँ पे हम 1.5 घंटा रुके। उसके बाद जब खारदुंगला हमने क्रॉस किया तो आधा घंटा जहाँ पे वो फूड ट्रक था वहाँ पे रुक गए थे। उसके बाद फिर खालसर आया, खालसर में आके हमने खाना खाया। तो ये कह लो कि कम से कम 3 घंटे की तो हमारी ब्रेक ही थी 8 घंटे में। तो आने में हमें 5 घंटे की राइड है 130 किलोमीटर की, बीच में ऑफ रोड भी आता है तो काफी स्लो चलना पड़ता है। और आज का जो हमारा एस्टिमेट है लगभग 8 घंटे का है पेंगोंग लेक पहुंचने का। ऑलमोस्ट सभी बंदे आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, वो रेती से निकल के तो मेरे को नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। तो रेती से ला जाना है। तो अभी डिस्किट में रुके हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए सभी बाइक्स में, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो गया होगा, तो हमें अब 2 दिन चलानी है, पेट्रोल शायद नहीं मिलेगा 2 दिन। इतना गंदा रास्ता, इतना ऑफ रोडिंग, बाइक पे बैठे बैठे पिछवाड़ा टूट गया, तो फील ही नहीं हो रहा है, तो लग रहा सुन हो गया बिल्कुल। तो अभी रुके हैं बस, पीछे थोड़ी सी ग्रीनरी दिखी है, पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद दोबारा चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। अब मैं चलाता थक गया था, तो मैंने मैं को दे दी बाइक, मैं कहा तू चला, लेकिन पीछे बैठ के वो ज्यादा झटके लग रहे हैं। तो भाई अभी रास्ते में रोक दिया हमें यहाँ पे, क्योंकि आगे ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, काम चल रहा है मशीन का, पता नहीं कितनी देर हमें रोक के रखेंगे ये। टाइम 2:30 बज गया, भूख भी लगी हुई है बड़ी जोर की। रिवर देखिए कितना तेज फ्लो आ रहा है पानी का यहाँ पे, और यहाँ इधर काफी गहरी है इधर। तो अब ग्रुप भी आधा में डिवाइड हो गया, आधा पहले निकल चुका है और आधा पीछे की तरफ आ रहा है। ये मार्शल भी आ गया हमारा, मार्शल का कल एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरह, स्लिप होके गिरा और बाइक भी टूट गया आगे, हेडलाइट अभी भी ऐसी टूटी हुई, ये देखो हेडलाइट है ही नहीं इसकी बाइक में। तो भाई ये आ गया हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग, तो अपने बीड़े भाई भी निकल रहे हैं, आगे ले ले थोड़ा और, निकाल लो निकाल लो, रुकोगे तो फंसोगे। कोई रास्ता बहुत ज्यादा खराब है पेंगोंग लेक के लिए यहाँ पे। तो भाई काफी देर बाद एक ब्रेक लिया है हमने, हालत खराब होगी इस रास्ते पे आते आते, पूरा ऑफ रोड है, बहुत कम जगह पे अच्छी रोड मिलेगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्योक, और मेरे साथ पीछे यहाँ पे श्योक रिवर चल रही है, साथ के साथ ही चलती जा रही है पूरे रास्ते, आई थिंक ये पेंगोंग तक ही चलेगी। चेहरे का बुरा हाल हो गया चल चल के, थकान इतनी ज़्यादा हो गई। और तो अभी रुके हैं रेस्टोरेंट पर, फ्राइड राइस और परांठे मंगाए हैं, वो खा के चलेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है और 4 बजने को आए हैं, कुछ नहीं खाया था बीच में। अगर इधर से जाएं तो यहाँ पेंगोंग लेक आएगा, और यहाँ से सीधा जाएं तो ले आएगा, और यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे तो चांगला पास आएगा, जो कि 43 किलोमीटर दूर है। तो कल हम यहाँ से पेंगोंग से इधर से आते हुए यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे, और वापस स्नो से कवर माउंटेन्स को कवर करेंगे जाके। और सड़क की हालत देखो, सीरियसली बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और ये पूरा रेता ही रहता है यहाँ पे। इतने कच्चे रास्ते पे घंटों ड्राइव करने के बाद फाइनली पेंगोंग लेक पहुंच गए हैं, और जिस कैंप में हमें रूम वगैरह मिलना था उसमें सिर्फ एक ही रूम खाली है। तो अभी वेट कर रहे हैं अपने मार्शल का और जो ड्राइवर है उनका आने का, देखते हैं कहां पे अब रूम मिलता है इधर हमें। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे ऊपर बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, और इसके पीछे एक पहाड़ है पूरा वाइट, जितने भी पीक से यहाँ पे सब वाइट हो रही है, इस साइड भी बारिश हो रही है वो देखो। अब देखिए पूरा व्यू यहाँ का, उस सामने पीक्स देखो एकदम वाइट, काफ़ी हैवी स्नो फॉल है वहाँ पे, और ऊपर से ये बारिश हो रही है इधर, या तो बारिश है या स्नो फॉल है, दूर दूर तक पानी है। इधर से आगे जाते जाएंगे तो मेरे ख्याल से मे भी शायद वो चाइना वाला एरिया है वहाँ पे वो। तो भाई फटाफट खाना वगैरह खा के अपने रजाई में घुस गया, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है अभी, माइनस में टेम्परेचर है। और यहाँ पे जहाँ डाइनिंग हॉल था वहाँ पे जो बंदे थे कैंप के, उन्होंने एक वार्निंग भी दे दी है कि भाई सुबह उठ के यहाँ पे बिल्कुल भी मत नहाना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो है और अभी हम लगभग 14,500 की हाइट पे हैं। तो पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था जैसे आपने देखा होगा। तो बाइक पे आते आते भी हमें लगभग ये कह लो 30 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 2 घंटे के आसपास लग गया था हमें। पूरा रोड ख़राब है और बैठे बैठे भी बाइक पे कमर की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी और अभी हॉट वाटर बैग रखा हुआ है कमर के नीचे ताकि थोड़ा सा आराम आए बस। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब कल हम निकल रहे हैं मॉर्निंग में, यहाँ से पेंगोंग लेक पहले घूमेंगे, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा मॉर्निंग का, फिर चांगला पास होते हुए हम ले चलेंगे। और कल अगर टाइम से पहले ले पहुँच गए तो एक बार आपको ले की माल रोड भी दिखा दूंगा और वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा बहुत, ले सिटी देखेंगे कि ले कैसा है क्योंकि ले हम घूमे नहीं, सिर्फ नाइट स्टे किया था वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट।